हेलो एवरीवन, माय सेल्फ पायल एंड आई एम फ्रॉम इंग्लिश विद्या विद पायल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, टेंसेस। इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस एक ऐसा टॉपिक है जिससे अगर हम देखें तो पूरा का पूरा इंग्लिश ग्रामर ही रिलेटेड है। अगर हम टेंसेस ना जाने तो क्या होगा, पहले ये जाने, और टेंसेस जाने तो क्या होगा। अगर हम टेंसेस ना जाने तो पूरा का पूरा इंग्लिश ग्रामर उल्टा पुल्टा पूरा पलट के रह जाता है। कोई भी सेंटेंस जब हम लिखते हैं ना, तो उसका करेक्ट स्पेलिंग, ना करेक्ट उसका ऑर्डर, ना ग्रामेटिकल वो सही होता है, और ना ही वो पढ़ने में सही होता है, ना लिखने में और ना सुनने में। अगर उसी के तरह अगर हम ऑपोजिट को देखें, अगर हम टेंसेस जाने तो हम 30-40%, बहुत जगह ऐसा भी देखा गया है कि टेंसेस जाने वाले स्टूडेंट का स्पोकन वो ऐसे ही वर्बली, बिकॉज उनके माइंड्स में वो रूल फिक्स होते हैं, उसका स्पोकन भी सुधर जाता है। तो सबसे पहले हम एज अ इंट्रोडक्शन टेंसेस का पढ़े कि टेंसेस होता क्या है, इसे पढ़ना क्यों ज़रूरी है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि टेंसेस को पढ़ने से हमारा 50% इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आ जाता है। आप रिटन को देखें, स्पोकन को देखें, हर तरह से देख सकते हैं। टेंसेस के रूल को अगर वो हमारे माइंड में फिक्स होते, बिकॉज टेंसेस से ही हम एक्टिव टू पैसिव रिलेट है, एक्टिव टू पैसिव को बनाते हैं, टेंसेस से ही हम नरेशन को भी बनाते हैं, और टेंसेस के अंदर ही वर्ब सीखते हैं। और ना जाने इस तरह कितने सारे टॉपिक्स हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टेंसेस से ही जुड़े हुए हैं। तो पहले जाने कि टेंस होता क्या है। टेंस का मतलब हिंदी में जाने तो काल होता है। टेंस को हम एक तरह से टाइम से रिलेट कर सकते हैं। टेंस होता क्या है, एक्चुअली ये रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ये हमारे इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर का एक रूल्स की तरह होता है। अब ये क्या रूल होता है, वॉक हैपेंस इन विच टाइम, कि कोई भी काम किस समय हो रहा है, ये उस समय को बताता है कि कोई भी काम किस समय में हो रहा है। अब मान लीजिए कोई भी काम होगा तो किसी ना किसी समय पे तो होगा, चाहे वो अभी हो रहा है या फिर हो चुका होगा या फिर होने वाला होगा, तीनों में से किसी ना किसी समय में तो होगा ही। अभी मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, आई एम टीचिंग, इसका हिंदी में अर्थ होगा मैं पढ़ा रही हूँ। चलिए ये तो आसान है, बिकॉज यहाँ रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, डैट मीन्स ये अभी चल रहा है, पढ़ाना मेरा अभी गोइंग ऑन चल रहा है। तो ये सीधा सीधा इसमें हम पहचान ले रहे हैं कि अभी ये हो रहा है, अभी ये प्रेजेंट टाइम पे हो रहा है। तो ये टेंस क्या होता है, हमारा टाइम से रिलेट होता है, और ये बताता है कि हमारा जो भी काम, जो भी सेंटेंस हम लिख रहे हैं, जो भी वॉक हो रहा है, चल रहा है, हो गया है या फिर होने वाला है, वो कौन से टेंस से रिलेटेड है। जिस तरह या फिर जिस तरह मैंने अभी डिस्कस किया कि काम या तो हो चुका होगा, या तो हो चुका होगा पास्ट में, या फिर अभी चल रहा होगा प्रेजेंट में, या फिर होने वाला होगा फ्यूचर में। तो टाइम हमारा तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। तो टाइम से ही पूरा पूरा रिलेटेड है टेंस। टाइम को मैंने सीधा सीधा तीन भाग में डिवाइड कर दिया, तो टाइम इज जस्ट रिलेटेड विद द टेंसेस। टाइम को प्रेजेंट लिखा, पास्ट लिखा, फ्यूचर लिखा, इस तो टेंस को भी हम लिख सकते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ओके, नाउ टर्न्स टू, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, बिकॉज अगर एक वीडियो में तीनों टेंस को धड़ाधड़ ख़त्म कर दिया जाए तो ये माइंड में घुसने वाला है नहीं, बिकॉज प्रेजेंट टेंस के चार टाइप्स होते हैं,
पास्ट टेंस के भी चार टाइप्स होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी चार टाइप्स होते हैं। चार दिया 12 हो गया। इन 12 के 12 रूल्स होते हैं, 12 स्ट्रक्चर्स बनते हैं और हजार तरह के एग्जांपल्स बनते हैं। उनको अगर एक वीडियो में ख़त्म कर दिया जाए तो बहुत घिसा पिटा खिचड़ी बन जाएगा। इसलिए उससे बेटर है कि हम इसको डिवाइड कर करके पढ़ें। एक में प्रेजेंट टेंस को पढ़ें, दूसरे में पास्ट टेंस को और तीसरे में फ्यूचर टेंस को। तो चलिए चलते हैं प्रेजेंट टेंस की ओर। देयर आर मेन फोर टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। थोड़ी देर पहले मैंने कहा प्रेजेंट टेंस भी चार टाइप्स का होता है, पास्ट टेंस भी और फ्यूचर टेंस भी। यहाँ देखिए मैं चारों टाइप्स का प्रेजेंट टेंस का नाम लिखी हूँ। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिस तरह यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक उसी तरह पास्ट में सिंपल पास्ट टेंस होगा और फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर टेंस। यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, वहाँ पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वहाँ पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सेम यही है। ओनली जिस टेंस को हम पढ़ेंगे उस टेंस का नाम चेंज हो जाता है, बट रूल्स आर वेरी डिफरेंट। वेरी डिफरेंट क्या, ऑलमोस्ट डिफरेंट, कम्प्लीटली डिफरेंट है वहाँ एकदम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को। सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या है। यहाँ मैं एक सेंटेंस से पूरा टेंस को समझाने का कोशिश करूँगी। पूरा ऑलमोस्ट टेंस आर कंप्लीटेड फ्रॉम वन सेंटेंसेस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचानने का पहला नियम होता है जिस वाक्य के अंत में ता हूँ। यहाँ देखिए ता है और ती हूँ, इस तरह का वर्ड आता होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, यहाँ ता हूँ आ गया, ठीक। सी सिंग, वो गाता है। यू डांस, तुम नाचते हो, ठीक। यहाँ ता हूँ, ती है, इस तरह का एंड में आता होगा तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है। ता हूँ, ती हूँ, ते है इत्यादि लगा हुआ सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब कंफ्यूजन है एस और ई एस कहाँ लगता है, एस कहाँ लगता है और ई एस कहाँ लगता है। एस लगेगा, मान लीजिए मैं पढ़ता हूँ, आई रीड्स, आई के साथ एस नहीं लगता। ही, सी, जितने भी सिंगुलर नाउन होते हैं वहाँ एस लगता है, आई में एस नहीं लगता। ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन वहाँ एस लगता है। और ई एस कहाँ लगता है, बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं जब हम उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो वहाँ एस ना लग के ई एस लग जाते हैं। अगर मैं पढ़ता हूँ के जगह हम लिखते कि वह जाती है तो यहाँ क्या हो जाता, सी गो। सी गो तो एकदम गलत है बिकॉज यहाँ एस ना लिख के हमें ई एस लगाना पड़ता। गो में कभी ऐसे नहीं देखे होंगे आप लोग एस, ये गलत है, वहाँ पे ई एस लगता है गोज में। सी गोज, ही गोज, इस तरह लगता है। अगर इसी सेंटेंस को आई के साथ करते तो यहाँ सिर्फ आई गो होता। ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसे लर्न करना बहुत ज़रूरी है। अगर स्ट्रक्चर ही हमारे माइंड पे नहीं होगा तो पूरा का पूरा टेंस पढ़ना बेकार है बिकॉज हम सेंटेंस ही नहीं फ्रेम कर पाएंगे, स्ट्रक्चर ही तो हमें नहीं याद है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट पहले आएगा, देन वर्ब 1, वर्ब 1 के साथ एस और ई एस लगेगा और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ वर्ब 1 की बारी आती है। हर एक वर्ब का फॉर्म होता है, उसका पार्ट होता है।
जैसे मैंने यहाँ रीड लिखा, वर्ब वन, इसका वर्ब टू होता है, वर्ब थ्री भी होता है, वर्ब फोर भी होता है और वर्ब फाइव तक होता है इसका। अब रीड का जैसे होता है वैसे सारे वर्ब का फॉर्म नहीं होगा, बहुत सारे वर्ब सेम सेम होते हैं, बहुत सारे लर्न करने होंगे हमें। रीड का यहाँ रेड होता है बट लिखाता सेम है रीड, प्रोनाउंसिएशन ओनली डिफरेंट, द प्रोनाउंसिएशन शुड बी रेड, अगेन रीड। अब वर्ब फॉर्म में क्या लग, वर्ब फॉर्म में लगता है एस या ई एस और आई एन जी लगता है। वर्ब फोर और वर्ब फाइव में आई एन जी और एस या ई एस लगा के बना दिया जाता है इसमें टेंस में। ओके, तो रीड रेड रीड। अगर मैं प्ले का करूं तो प्ले का होता है प्ले प्लेड प्लेड, यहाँ तो सेम नहीं हुआ जिस तरह रीड का हुआ, रीड रेड रीड, यहाँ ईडी लग गया ईडी। देन प्लेइंग प्लेज, वर्ब फॉर और वर्ब फाइव बहुत इजी, आई एन जी और एस और ईएस लगा के हम वर्ब फॉर बना और वर्ब फाइव बना सकते हैं। हमें लर्न करना पड़ता है सिर्फ वर्ब वन वर्ब टू और वर्ब थ्री, बहुत सारा एकदम सेम होता है। कट का कट 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 इस तरह होता है, गो का गो वेंट गोन बिल्कुल डिफरेंट। तो जितने अभी मैं लिखना चाहूँ तो पूरा बोर्ड में क्या बोले, इतना वर्ब होता है जो बोलना मुश्किल है और लिखना भी मुश्किल है। वो जैसे जैसे हम इंग्लिश ग्रामर में घुसते जाते हैं सारे वर्ब के वर्ब फॉर्म्स भी हमें याद करने, उसके लिए कोई स्पेशल रटने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें एक नज़र देख लेना है कि इसका क्या होता है, वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। गो का आप एक बार देख लीजिए ना, गो वेंट गोन, ये हमेशा के लिए याद रह जाता है, इसको एक पेपर में लिख के रटने की आवश्यकता है नहीं। बहुत सारे वर्ब ऐसे होते हैं जो सेम होते हैं, जिसे देखने से ही पता चल जाएगा कि इसका कोई स्पेशल रूल कुछ नहीं होता है। कट 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 इस तरह होता है। तो हम पढ़ रहे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस, उस पे मैंने क्या पढ़ाया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें सीधा। नाउ टर्न टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस नाम से पता चल रहा है, कंटिन्यू अभी चल रहा है, जिस वाक्य के अंत में रहा हूँ रही हूँ ये सारे वर्ड्स लगा रहे उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। एग्जांपल्स, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रही हूँ, यहाँ जो सेंटेंस है मैं पढ़ रही हूँ तो रही हूँ आ रहा है यहाँ लास्ट में, तो ये कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ आई के साथ एम लग गया, यहाँ नहीं लगा, प्रॉब्लम यहाँ आता है बिकॉज इसका स्ट्रक्चर में देखिए, स्ट्रक्चर से ही तो हमें पहचानना है कि ये कौन से टेंस का एग्जांपल है, इसीलिए यहाँ स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं टेंसेस में पहचानने के लिए। यहाँ था ही नहीं एम इज आर कुछ भी, बल्कि यहाँ है कंटिन्यूअस में, अगर रहा बिकॉज यहाँ ता है, इसका लास्ट में ता था तो यहाँ इज एम आर नहीं था, और यहाँ रही हूँ रहा हूँ है वो अभी चल ही रहा है, तो यहाँ सब्जेक्ट के साथ हमारा इज एम आर लगेगा। अब कहाँ इज कहाँ एम और कहाँ आर लगेगा ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर, हमारा जिस तरह का सब्जेक्ट रहेगा उस तरह का हेल्पिंग वर्ब भी लगेगा। इज एम आर हमारा हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, जो सब्जेक्ट के साथ जुड़ के सेंटेंस को करेक्ट बनाता है उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और वर्ब के साथ इसमें आई एन जी लगाना है, जहाँ पे भी रहा हूँ रही हूँ इस तरह के वर्ड देखे वहाँ हमें आँख बंद करके आई एन जी फॉर्म को ही, फॉर्म के पैटर्न को ही फॉलो करना है, देन लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा। अब आई एम रीडिंग, आई के साथ सभी जानते हैं एम लगता है, इज लगता है ही सी इट या सिंगुलर के साथ इज लगता है, आई के साथ एम लगता है, आर लगता है दे के साथ वी के साथ और प्लूरल नंबर के साथ, ही सी इट और सिंगुलर नंबर के साथ इज दे वी वो और प्लूरल नंबर के साथ हमारा लगता है आर लगता है। तो अगर मैं यहाँ लिखती वो पढ़ रही है तो यहाँ हो जाता सी इज रीडिंग हो जाता, फिर वहाँ हमारा एम नहीं लगता, ये तो आजकल के बच्चे बच्चे भी जानते हैं कहाँ इज कहाँ एम और कहाँ आर, फिर भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। अब रीड, यहाँ तो रीड था बिकॉज ये सिंपल प्रेजेंट टेंस था, ता है
ती हूँ और यहाँ कंटिन्यूअस है रहा रही हूँ तो यहाँ आईएनजी फॉर्म लगेगा. सी इज रीडिंग. प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. देन चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इस वाक्य के अंत में चुका हूँ चुकी हूँ इत्यादि लगा रहता है. जैसे मैं पढ़ चुका हूँ, मेरा पढ़ाई ख़त्म हो चुका है. इस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि मैं पढ़ चुका हूँ, मैंने पहले ही पढ़ लिया है. तो वैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा बनता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव. वहाँ हमारा हैज़ हैव, ये परफेक्ट, वो हो चुका है, हैज़ हैव लगता है और वर्ब थ्री लग जाता है इसमें. इसमें वर्ब वन हो रहा था, इसमें वर्ब वन के साथ ही आई एन जी लग रहा था और इसमें वर्ब का तीसरा लेना है हमें. वर्ब का पहला कहलाता है प्रेजेंट फॉर्म, दूसरा पास्ट फॉर्म और तीसरा क्या सोच रहे हैं, फ्यूचर. फ्यूचर नहीं होता है, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड दिस इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. ओके, बहुत बच्चे ऐसा सोचते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सीधा सीधा, ऐसा नहीं होता है. प्रेजेंट पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ये कहलाता है. ओके, तो सब्जेक्ट इसके साथ हैज लगता है और हैव लगता है और वर्ब थ्री लगता है. अब मैं पढ़ चुका हूँ तो आई, आई के साथ हैव लगता है. फिर यहाँ भी कन्फ्यूज़न, हैव कहाँ लगाएंगे, हैज कहाँ लगाएंगे, बिकॉज जिनको नहीं आता उनको कुछ नहीं आता, ये पता है. अधूरा ज्ञान बहुत मुश्किल होता है, वो हमेशा गलत होता है और जिनको आता है उसे सब आता है. तो हैज कहाँ लगेगा, हैज लगेगा हमारा ही में, सी में, इट में और सिंगुलर नंबर में. और हैव हमारा लगता है वी में, आई में, दे में और प्लूरल नंबर में हमारा हैव लगता है. हैज और हैव, हैज सिंगुलर, हैव प्लूरल, बस. लेकिन आई, वी, दे प्लूरल नंबर्स में हमारा हैव लगता है और हैज़ लगता है ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर में. तो हमारा सेंटेंस था मैं पढ़ चुका हूँ, आई, आई के साथ बताया हैव, आई हैव रीड. अब यहाँ रीड क्यों हुआ, बिकॉज वर्ब थ्री भी हमारा रीड ही था. अगर यहाँ गो रहता, मैं जा चुका हूँ, तो होता आई हैव गो का मैंने बताया था वर्ब थ्री गॉन, आई हैव गॉन होता. यहाँ हमें वर्ब फॉर्म को टेंस पढ़ने से पहले एक नज़र वर्ब फॉर्म्स पे डालना होगा, बिकॉज बनाएंगे कैसे, वर्ब फॉर्म्स ही नहीं आता तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे. इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी है वर्ब फॉर्म्स भी. ये हो गया कंप्लीट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नाउ लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इसमें परफेक्ट भी है और इसमें कंटिन्यूअस भी है. डैट मीन्स ये एक ऐसा सेंटेंस हमारा है जो बन भी चुका है, जो हो भी चुका है और एक लंबे समय से हो चुका है. अब लंबे समय से कैसे हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखें हम. इसमें एक सेंटेंस है आई हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स. मैं 2 घंटे से इस किताब को पढ़ रहा हूँ. डैट मीन्स वो काम हमारा पास्ट में भी हो रहा है और अभी तक प्रेजेंट में भी हो रहा है. तो इसमें 2 टाइम को इंक्लूड किया गया है, पास्ट को भी इंक्लूड किया गया है, बिकॉज वो काम तो हमारा पास्ट में ही शुरू हुआ है और अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है. प्लस इसमें प्रेजेंट की भी कहीं ना कहीं भागीदारी है, बिकॉज उसे अभी तक बंद नहीं किया गया है, वो अभी तक चल ही रहा है. यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिखा है मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ. आई हैव बीन रीडिंग द बुक्स फॉर 2 आवर्स. तो इस सेंटेंस के अंत में क्या होगा, से रहा हूँ 2 घंटे से, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं 4 महीने से लिख रहा हूँ, से रहा है, रही हूँ, इस तरह का वर्ड आएगा. इसमें ता है, ती है, अगेन रिविज़न. इसमें रहा हूँ, रही हूँ, इसमें चुका हूँ, चुकी हूँ और इसमें से रहा हूँ. इसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी.
मैंने पहले ही कहा जहाँ कंटिन्यूअस रहेगा वहाँ आँख बंद करके हमें आईएनजी ही लगाना है। कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है गोइंग ऑन, डैट मीन्स अभी तक वो चल रहा है, और लास्ट में हमारा रहेगा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ एक वर्ड आ रहा है फोर, वो स्ट्रक्चर में हमारा नहीं है। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी, ये सारे तो मिल रहे हैं लेकिन फोर नहीं आ रहा है, बिकॉज यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फोर और सीन्स दो ऐसे वर्ड होते हैं जो एक निश्चित निश्चित जगह में होते हैं। इसके बाद जो मेरा शॉर्ट वीडियो आएगा उस पर मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगी फोर कहाँ लगता है उसके लिए अलग रूल है, और सिंस कहाँ लगता है उसके लिए भी अलग रूल है। अगर मॉर्निंग रहेगा तो फोर लगेगा कि सिंस, बट उसी के जगह अगर मैं एक सेंटेंस बोल दूँ, अगर मैं बोलूँ मैं सुबह से पढ़ रही हूँ तो वहाँ क्या लगेगा, आई हैव बीन रीडिंग, फोर लगेगा कि सिंस, कन्फ्यूज़न। देन अगर उसी के जगह मैं बोलूँ मैं 10 वर्षों से पढ़ रही हूँ, 10 ईयर्स आ गया, तो वहाँ क्या लगेगा। उसको एक प्रॉपर, चाहे वीडियो शॉर्ट हो या लॉन्ग, वो वीडियो के वो मैटर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फोर और सिंस के इसके जस्ट बाद मैं वो एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि फोर कहाँ लगाए और सिंस कहाँ लगाए। आज के लिए बस इतना ही। ये चारों टेंस आई होप आप लोगों को क्लियर हुए होंगे, इसके स्ट्रक्चर, एग्जांपल्स, पैटर्न, ऑल द थिंग्स। फिर भी अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट इन माय वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।